नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कैगी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हैं हमारे पास वैद्य ललिता जी। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई असंख्य योगी इनके पास हैं। और खास बात यह है कि ललिता जी के पिताजी भी एक बहुत ही प्रकांड और अच्छे वैद्य रहे हैं। इसके बाद ये वैद्य बनी है। आइए मिलवाते हैं आपको ललिता जी से और उनके अनुभूत योगों से। ललिता बहन नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। और बताइए। और भाई हम पहाड़ पे चढ़ते हैं या हमें आजकल हर दूसरे इंसान को सांस की शिकायत रहती है? सांस बिल्कुल दो। हाँ, मुझे भी कैलाश मानसरोवर गया था तो सांस की काफी काफी दिक्कत दिक्कत आती है। कपूर मैंने उस समय थोड़ा बहुत रहा था। हाँ, उससे कपूर के साथ है कि आप कलौंजी की एक पुड़िया बना लो, ठीक है, अचार में डलती है, ठीक, वो कलौंजी की पुड़िया बना के और उसको इनहेल करो जितना इनहेल कर सकते हो, ठीक है। सो इनहेल एक्सेल में आपका जो है वो काफ़ी बेनिफिट देगा। तो मेन है कि आप कलौंजी को कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जैसे हम मैं तकरीबन ट्रैवल करती रहती हूँ और मेरे को सांस की प्रॉब्लम भी है, तो कलौंजी की एक पुड़िया बना के रखती हूँ। कलौंजी अपना आप सूंघ लो, साथ में चाहो तो दो लौंग भी रख सकते हो, बट कलौंजी ही काफ़ी है। तो आपको वो जो उस फेज के टाइम पे सांस की प्रॉब्लम आ रही है वो तो कंट्रोल हो ही जाएंगी, पर विंटर में इन दिनों में या तो जब गेहूँ निकलते हैं उस टाइम पे आप ये कंटिन्यूस अगर सूंघते हो तो आपको उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। अच्छा। खास करके जो दमे के मरीज हैं ये उनके लिए दिक्कत आती है। तो जो दमे के मरीज हैं उनके लिए ये सबसे कारगर है कि आप उस कंडीशन में अपनी पोटली बनाई, सीधा फेफड़ों में लगती है, जितना लंबा इनहेल करेंगे उतना। भाई वो 5 रुपए की कलौंजी आपकी 1 महीने से ज्यादा चलती है, ठीक है। तो पर ये है ना कि दिमाग में वो ही रहता है ना भाई कि सस्ती चीजें और तुरंत हमें तुरंत रिलीफ चाहिए होता है, और ये कलौंजी तुरंत रिलीफ में से है, ठीक। तो ये हम चीजें कर सकते हैं आराम से। ललिता जी से बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आपको किसी दवाई से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित इनसे बात करनी है तो मैं इनका नंबर दे दूंगा। बस आप ध्यान एक रखना है कि आपको फोन 5 बजे से पहले करना है। 5 बजे के बाद इनको फोन ना करें आप। ये जरूर आपको कुछ ना कुछ समाधान बताएंगी। और बहुत अच्छी वैद्य हैं, अपने पिता से इन्होंने ये जो चीजें सीखी हैं, ऋषि मुनियों से जो चीजें ये सीख पाई हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाती रहती हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।